हमीरपुर के राठ में अमन और शांति के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। आज ईद उल अजहा के मौके पर राठ ईदगाह में मुस्तैदी से दिखे शासन और प्रशासन, जहां प्रशासन ने त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए, वहीं नगर पालिका राठ से भी खास इंतजाम देखने को मिले। पूरे राठ में पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। वहीं ईदगाह के पास नेताओं ने अपने अपने स्टॉल लगाकर पानी और फल वितरण किए। प्रशासन की तरफ से चिकित्सकीय इंतजाम से लेकर आग बुझाने के यंत्र, फायर ब्रिगेड व मेडिकल सुविधाएं का इंतजाम किया गया, जहां पुलिस ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। वहीं राठ की ऐतिहासिक ईदगाह में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी और देश की अमन शांति के लिए लाखों हाथ एक साथ उठे और अपने रब से अपने मुल्क के लिए दुआएं की। आपको बता दें कि यह त्यौहार मुसलमानों के लिए खास है। इस त्यौहार में अल्लाह की मर्जी से मुस्लिम पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में कुर्बानी दी थी, जिसको अल्लाह ताला ने खुश होकर कबूल की और उनका बेटा उनको वापस लौटा दिया और उनके बेटे की जगह एक बकरे की कुर्बानी कबूल कर ली गई। हजारों साल पुरानी यह परंपरा चली आ रही है। मुस्लिम त्यौहार में बकरों की कुर्बानी देकर अपने रब को खुश करते हैं। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता अतीक खान की खास रिपोर्ट। ये बकरीद का त्यौहार है। मुस्लिमों में ईद, बकरीद ये सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं, जो कि मुसलमानों का कहना है कि इस त्यौहार में अमन शांति के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। आप इन त्यौहारों में हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो हमारे देशवासियों को, खासकर अपने तहसील वासियों को, बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो वैसे त्यौहार तो कुर्बानी का है, इसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि अमन चैन रहे अपने कस्बे में, पूरे देश में, और व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत अच्छी रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग का सहयोग भी और यहाँ की जनता का सहयोग बहुत अच्छा रहा है, और आशा करते हैं कि ऐसे ही सारे त्यौहार सब लोग करके हम लोग मनाएँ, ये हमारी शुभकामना है। अच्छा सर, जैसे कि अभी ईदगाह के अंदर बात हो रही थी कि इस बार पुलिस प्रशासन ने और खास करके नगर पालिका या राठ SDM ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पर, अगर कोई प्रकार की बात विवाद होता है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों का, किस किस का सहयोग है इसमें? मेहनत तो ऐसे ही हम लोग हमेशा करते रहे हैं, लेकिन हमेशा हर बार चाहते हैं कि उससे भी अच्छी व्यवस्था हो। पिछली बार जो कमियाँ रहती हैं, हम सभी विभाग मिल करके यह कोशिश करते हैं कि पिछली बार की कमियों को अगली बार दूर करें, और वही कोशिश की गई है और आप सबके सहयोग। धन्यवाद। राणा साहब, आप राठ के शहर पे इमाम हैं, इस लिहाज से ये जो बकरीद का त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है, क्या मानता है इसकी? ये बकरीद का त्यौहार हकीकत में ये हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, उन्हीं के याद में यहाँ पर बकरीद मनाई जाती है और सभी जगह और लोग कुर्बानियाँ पेश करते हैं। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़बाह की तक अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था, बस उन्हीं की सुन्नत अदा करने के लिए ये कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं और ये त्यौहार मनाया जाता है। और जब तक दुनिया है यानी क़यामत तक, हमेशा इंशाअल्लाह हर साल इसी मौके पर ये कुर्बानियाँ पेश करती जाएंगी और ये त्यौहार मनाया जाएगा। अच्छा इमाम साहब, जैसे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन और शांति का देश कहा जाता है, आज ईद या बकरीद के त्यौहार में आप तमाम हिंदुस्तान वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से और अपने समाज, अपनी मुस्लिम भाई कौम की तरफ से, पहले तो सबको मुबारकबाद, अपने शहर के और तमाम वतन के तमाम लोगों को मुबारकबाद आज के त्यौहार की पेश करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग मिल करके एक साथ अपने वतन में रहें, मुत्तफिक होकर एक होकर के अमन शांति के साथ रहें, एक दूसरे को नुकसान हम ना पहुंचाएं, आपस में भाईचारा बनाए रखें। और हम इस मौके पर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे शहर, हमारे कस्बे, हमारे मुल्क वतन में अमन शांति बनाए रखे और अमन शांति
के साथ हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। हम अमन शांति के लिए कोशिश करते हैं, दुआ भी करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ये देश अमन और शांति के साथ रहे, ऐसे फलता और फूलता रहे। धन्यवाद। मुसलमानों को ये बकरीद का त्यौहार है जो कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है और मुस्लिमों में ईद बकरीद सबसे बड़े त्यौहार हैं। आज इस त्यौहार में आप हमारे देशवासियों को और नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं आज बकरीद पर अपने नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, ऐसे त्यौहार जो अमन और शांति लेके आते हैं अच्छा लगता है। हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता इस बहाने देखने को मिलती है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा इसी तरीके से हमारे नगर का, हमारे क्षेत्र का, हमारा देश का माहौल बना रहे, लोगों को सद्बुद्धि दे। अच्छा सर, जैसे कि आज नगरपालिका की काफ़ी अच्छी यहाँ व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसके लिए बार बार हमारे शहर के इस्माम भी बोल रहे थे, तो नगरपालिका में इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या सहयोग दिया है लोगों ने? ये सब नगर के लोगों की ही व्यवस्था है। हम अपने पालिका के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनका सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने नगर की इस व्यवस्था को सुचारू रूप अच्छा करने में कुछ कसर नहीं रखी। उसके लिए हमारे सारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। याकूब पठान का ताबूत किया है, अल्लाह ठीक है।